नमस्कार, मैं हूं विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। चलिए गाइस, आज डिस्प्ले सेटिंग के बारे में देखते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हम डेस्कटॉप के में राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमको ई स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है। इसके बाद हमें डिस्प्ले रिजोल्यूशन और ओरिएंटेशन मिलता है, जिसमें हम रिजोल्यूशन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एक हम नंबर डिस्प्ले नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे चेंजेस। अगर हमें इसको रखे रहना है इस सेटिंग को, तो हम कीप चेंजिंग में जाके क्लिक कर देंगे। और यदि हमको इस यही सेटिंग नहीं मालूम लेना हो, तो हम रिवर्ट में क्लिक करेंगे। देखिए हमारा स्क्रीन रिजोल्यूशन कैसे चेंज हो गया है। हम इसको दोबारा अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आइकॉन जो है कैसे चेंज दिखाई दे रहा है। ये अब फिर जाके हम सेटिंग को स्टैंडर्ड साइज 10:24 में कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम ओरिएंटेशन में जाते हैं। ओरिएंटेशन में हम फर्स्ट पोर्ट्रेट में जाके क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा डेस्कटॉप जो है कैसे घूम गया है। तो पोर्ट्रेट में हमारा डेस्कटॉप इस तरह से घूम जाता है। अब देखिए हम ओरिएंटेशन में दूसरे कमांड में जाते हैं, लैंडस्केप फ्लिप्ड। अब देखिए चेंजेस, हमारा डेस्कटॉप जो है कैसे उलट गया है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम पोर्ट्रेट फ्लिप्ड में जाते हैं और जाकर अप्लाई कर देते हैं। देखिए अब आप देखिए गाइस, हमारा डेस्कटॉप कैसे पलट गया है। इस तरह से हम डेस्कटॉप का डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा हम इसे सही डायरेक्शन लैंडस्केप में रख देते हैं और उसे अप्लाई कर ओके कर देते हैं। ये हमारा डिस्प्ले है। अब हम ओके में जाकर सेटअप से बाहर निकल जाते हैं। गाइस उम्मीद है आपको डिस्प्ले सेटिंग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि मैं एक से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।